सही लग रहा, अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। यार आज ना हम सोच रहे थे कमरे के लिए कुछ कोलाज लेने के लिए, जो सीनरी नहीं आती जिसमें कुछ ना कुछ क्यूट्स लिखे रहते हैं, हाँ वही वाले। एक्चुअली अभी कुछ थे घर पे तो वो मम्मी ने उठा के फेंक दिया, उनको पता नहीं था। तो हम सोच रहे हैं एक यहाँ पे लग कुछ सॉरी कुछ यहाँ पे लगाने के लिए, और दो तीन इधर लगा लेंगे, कुछ इधर लगा लेंगे और कुछ इस साइड लगा लेंगे, तो कमरा मस्त दिखेगा मेरा। और यहाँ पे ये सब हटा के ना सोच रहे थे प्ले स्टेशन का प्लान करा है, तो पापा भी है नहीं, पापा आ जाएंगे तो पापा बोले हैं प्ले स्टेशन निकालने के लिए। एक्चुअली वो रखा हुआ है बहुत ज़्यादा अंदर, तो बिना उनको हेल्प के नहीं निकल पाएगा, और उन्होंने खुद रखा था। तो PS2 में यार मस्त बहुत सारे गेम है, और उसका ना CD VD सब है, उसकी बढ़िया प्लेयर है, स्टेयरिंग व्हील है, सब कुछ है। तो मैं वो यहाँ पर लगाने को सोच रहा हूँ। तो अभी यार सोचते हैं, सबसे पहले चलते हैं कोलाज लेने। तो अभी ऊपर अदीब है, हम सोच रहे हैं अदीब को ले लें। गाइस फाइनली अदीब आ गया, उसको आवाज़ देके यहीं पे बुला लिया था। तो ये है हमारे अदीब भाई। और अदीब भाई कैसे हो? अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? बता दीजिएगा कमेंट में आप लोग कैसे हैं। तो अदीब आ गया, अभी चलते हैं सिम्बा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं क्यूर शॉप पे, और अगर वहाँ पे कुछ अच्छे क्यूर्स होंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। तो फाइनली सोच यही रखा है, यहाँ मस्त खूब सारे क्यूर्स लगाने का, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। तो देखते हैं किस तरह के क्योर्स हम लोगों को देखने के मिलते हैं, और फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो दिखाते हैं, चलिए सीधा नीचे सिम्बा पे, और फिर वही आ गए हैं यार फाइनली सिम्बा को लेके बाहर, और अभी जा रहे हैं हम लोग पी रोड साइड, वहाँ पे मिल जानी चाहिए यार, वहाँ पे बहुत सी क्योर्स की शॉप्स हैं और स्टफ टॉयज भी मिलते हैं, तो वहाँ पे मैं भी मिल जाना चाहिए, नहीं तो उसके अलावा तो मुझे पता नहीं। ऑनलाइन देखा था यार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो ऑनलाइन लेना तो ठीक नहीं लग रहा था। देखते हैं अभी ऑफलाइन कितने मिल रहा है, कहीं कैसी मार्केट में, और पता कर लेंगे एक जगह और मार्केट कैसी है। बहुत ज़्यादा रश है भाई साहब, सुबह का टाइम है, अभी बजा है 11, ये भी 11 या 11:30 बजा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अभी कैसे क्यूट्स ले लें, कैसे क्यूट्स ले लें? ले लिए अच्छे से, चलो देखते हैं वहाँ पे जिस तरह मिलेगा वैसे ही ले लेंगे। काफी ज्यादा रश हो रखा है भाई, तो मालूम नहीं यार, हम लोगों को पी रोड जाना है, इधर ही से चलते हैं, इधर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उस साइड जाएंगे तो उस साइड भीड़ ज़्यादा मिलेगी। तो फिलहाल आ गए हैं रूपम चौराहा, वो भी बढ़िया है, चलते हैं आगे। यार हम सोच रहे थे ना यार, तो अदीप वो ले ले फिश पॉन्ड, फिश पॉन्ड लेने के लिए, छोटा सा जार नहीं आता, फिश जार, पॉन्ड नहीं जार, जार ले लेते हैं यार, और मछली ले लेते हैं तो पेट हो जाएगा हम लोगों, फिश पेट हो जाएगी हमारी। यार ऊपर जो रखा हुआ था वाला क्या हुआ, जो आपके पास था रूम में वो वाला क्या हुआ? टूट गया। टूट गया कैसे? अरे वो एक बार गिर गया था। अच्छा गिर गया था। हाँ। चलो देखते हैं गाइस, अगर गिरा दिया था तो कैसे? ज़ियान ने? हाँ। अच्छा चलते हैं गाइस, देखते हैं अगर हम लोगों को मिल जाता है क्योट्स वाला तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर फिश ले लेंगे और एक जार ले लेंगे। गाइस शॉर्टकट लेके आ गए हैं मेन रोड पे, एक्चुअली उधर यार चौराहा था, तो वहाँ पे ना पुलिस खड़ी होती है और फिर फोटो क्लिक करके फाइन कर देती है, तो हेलमेट नहीं है हम लोगों के पास, हम और अदीप विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, तो आगे से ध्यान रखेंगे, हेलमेट लेके आएंगे। एक्चुअली लोकल में मे भी कोई यूज रखता हो, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं लोकल में हेलमेट की, तो इसलिए लोग चले आते हैं, इसलिए मैं भी निकल आया। काफ़ी मस्त लग रहा है, पूरा कवर था यहाँ पे। हाँ ये वाला ये जो है लैंडमार्क, हाँ हाँ ये हम लोगों के घर से दिखता है, लैंडमार्क हम लोगों के घर से दिखता है ना? हाँ, तो हाँ, से बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल आगे फिश शॉप है क्या यहाँ पे? हाँ।
अभी भाई फंस गई गाड़ी। निकल गई। तो फाइनली गाइस देखते हैं फिश शॉप किधर है। ये उतरो। तो फाइनली गाइस आ गए हैं फिश शॉप पे हम लोग। और पापा ने यहीं से लिया था, हम लोग भी यहीं से लेते हैं। फाइनली आ गए हैं फिश शॉप पे और देखते हैं हम लोग को किस तरह की फिशेज मिलती हैं। गाइस फाइनली फिश ले लिया है और जा रहे हैं वापस। तो यार चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी? अरे फिर से दिक्कत हो गई। फिर से दिक्कत। निकल गई। बड़ी मुश्किल से निकली गाइस। फाइनली फिश ले लिया है और फिश के साथ साथ स्टोन्स ले लिए हैं और फिश की फीड ले ली है। एक्चुअली जो जार है ना वो बहुत सॉफ्ट है और हैंडल बार में फिश को लटका रखा है पैकेट में, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे टूट ना जाए। अदीब प्रॉपर तरीके से पकड़ना। जी जी जी। तो हम लोग हाँ धीरे धीरे चलेंगे। अच्छी हम थोड़ा तेज चलाते हैं इसलिए वो कह रहा है धीरे चलाना। तो अभी चलते हैं देखते हैं घर पे जाके। असल में दिखा इसलिए नहीं पाए क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था और फिर जल्दी जल्दी लेना था। तो घर चल के आप लोगों को अपनी फिश दिखाते हैं और बाउल दिखाते हैं और उसके साथ जितने सामान लिया ना वो सब दिखाते हैं। फीड उन्होंने बताया है कि सिर्फ 2 से 3 दाने देने हैं, तो फीड तो काफ़ी है, एक पैकेट है तो इनफ है, बहुत दिन चल जाएगा। बट मछली यार मर जाती है ना, इनको बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। बस मरे ना यार, मर जाएगी ना तो बहुत अफसोस होगा यार। क्यों अधिक बस मरे ना यार, जैसे हम लोगों को हुआ था। हाँ यार बहुत ज़्यादा अफसोस होता है यार, इतना टाइम आप फीड करके रखो, फीडिंग करो, सब कुछ करो, फिर उसके बाद सडनली मर जाती, तो वो चीज़ नहीं ठीक है। तो अभी चलते हैं घर और उसको डालते हैं ऊपर चल के जार में। चलो ब्लॉग हो गया स्टार्ट। इसको कर लेते हैं पहले अच्छे से वॉश।
क्योंकि पानी भी है ना, पानी तो बाहर छुपा उसमें। सही लग रहा, अच्छा लग रहा है। गाइस फाइनली हम लोग फिश ले लिया है। एक्चुअली गए थे क्योट्स लेने, क्योट्स नहीं मिले तो हम अदीप फिश लेके आ गए हैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने सब पूरा जार में सेटअप कर लिया है उनका, और ला के उनको सीधा रखा है यहाँ पे। ये जार है, इसके अंदर 4 फिश हैं, देख रहा होगा आप लोगों को, और करीब से दिखाते हैं। ये हमारी फिशेज हैं, उनको हमने फीड दे दी है। एक्चुअली उन्होंने आंटी ने बताया था कि सिर्फ 4 दाने देने, तो फीड तो दे दी है इन लोगों को। और बाकी देखिए हम लोगों के नए गेस्ट अदीब, हसन और शिजा, तो ये लोग फिश देख के आए हैं। और इनके लिए भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।